तैयारी है कैमरामैन जी चेक करो सही सुई नहीं बुक करना हो एनी टाइम एनी वे आप भाई जे बंबे वाले आए हुए ने इधर मेकअप वाला पूरा जोड़ा शोरा से काम चल रहा देखो 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 लोगों के तमाशे देखो ये तो आनंद लेना है ये तो आनंद लेना आए ने वाहेगुरु जी सौरभ भाई इन्हां नूं रहना सहना नहीं आउंदा देखो लोकां दे तमाशे देखो लो जी मेरा हो गया तैयार देखो चाची हड्डी ते पूरी घैंट लगन दी है आए होए भाई मेकअप हो रहा है भाई तुसी अज मुंडिया नु बदनाम करता है आई सोचा ही मुंडे ज्यादा सोहने होते हैं तो ही मेकअप करके अज बदनाम करता मुंडिया शॉर्ट वीडियो।
क्योंकि गाने लगे ना ब्लॉग डालेगा आगे म्यूजियम तो लिया करोड़ा का नोट है पढ़ नहीं लखा का नोट है 1.5 करोड़ की कीमत का नोट दिया प्रशाद बनते अंदरों गवाह जी लून पाया लगता मूड बदल जाना जी मुंडे की सेटिंग हो रही है मुंडा ढिला ढिला लगन दिया अज मुंडा ढिला ढिला लगन दिया की गल है जो नागरी दो हूं जो पता बन्या जाना है फिर इतना ही होता पता जो ब्याह का टाइम क्या घोड़ी कर दी है I don't want
अपना डोना है। हाँ
मनवीर सिंह मरमसिया टांग पकड़ रखो, ये फूल भी नीचे छोड़ दो, संख पापा के पास दे दो, ये तो ही है, तुम ये मौली कट्टी करो, इन्हें हाथ रखो, नैसी सीधा करो इस तरह, इन्हें अंगूठा पकड़ो इस तरह, तुम्हें पकड़ना है नैसी का अंगूठा इस तरह, जिसे मौली बननी है, तुम्हें इन्हें हाथ लगाना इस तरह, ये अंगूठा इस तरह लेना, तो मनवीर जी के हाथ लगा देना। ॐ स्वाहा इदं सूर्याय नमः ॐ गजानन भूतनाथ स्वाहा ॐ गजानन भूतनाथ अम्बिके नमः स्वाहा गण गंभीरवाद नमः ॐ अंबालिकाय नमः स्वाहा ओए तो भाई जल्दी हो कदों नहीं होए ओम बेंबिके उपालिके नमः नैतिक स्वाहा ओम बेंबिके उपालिके नमः नैतिक फेस तां रख इधर एक सौरभ फेस उत्ते रख सौरभ फेस उत्ते रख अपना थोड़ा थोड़ा उत्ते रख आओ इधर कर्तव्यनिष्ठ पति अपनी पत्नी को वचन देता है कि जब भी आपको जरूरत पड़े आप उस वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या कही किस तरह नहीं, ठीक है, गृहस्थ जीवन को निभाने के लिए। तो लड़की सबसे पहले बोलती संस्कृत में, आपको समझ नहीं आई हिंदी में इसका मतलब क्या है, कि महाराज आज के बाद जो भी आप पैसा थैला कमा के लाएंगे, खाने वाली चीज कमा के लाएंगे, जो भी आप बाहर से खरीद के लाएंगे वो सबसे पहले मेरे हवाले कर देंगे। कहने का मतलब ये नहीं कि घर में जाके मम्मी पापा को बोलें कि महाराज घर को चलाने के लिए नैन्सी आ गई है, आप ओम नमः शिवाय या बाहे गुरु जी का ध्यान करिए कोने में बैठ के, कहने का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आपके घर में कौन सी चीज़ किस जगह के ऊपर रखी है मेरे को कोई पता नहीं है अभी तक, उस चीज़ की मेरे को जानकारी किसने देनी, आपके मम्मी पापा ने, आपकी सिस्टरों ने, मेरे को बताना घर में जाके, क्यों, क्योंकि कल को कोई रिश्तेदार आ जाए आप घर में ना हो और बेचारी नैन्सी को पता नहीं हो कि चाय कॉफ़ी हिसाब किताब कितने रखे है, चीनी कितने है, कहते पानी नुमने पूछे उन्होंने बोलते वो अपमान किसका होगा आपका, और आपका अपमान किसका है मेरा, और मेरा अपमान किसका है माता पिता का, इसलिए बोलते इतने लोगों का अपमान मैं नहीं सहन कर सकती, इसलिए सबसे पहली बात क्या कि जब घर में जाऊं तो मेरे को बता देना कि महाराज ये चीज़ यहाँ पर रखी है। फिर लड़की बोलती कि गृह कार्याणी सर्वाणी मया कार्याणी सर्वदा, कि आपके घर में जो भी कार्य मेरे को काम मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं बिना किसी की हेल्प लिए कर सकती हूँ, मैं अपने आप करूँगी, ऐसा नहीं कि महाराज मेरे को कोई बोले कि नैन्सी बेटा ये काम कर दो तो मैं अपने आप कर लूँगी, लेकिन काम हो उचित, इन्होंने बोला उचित काम, ऐसा नहीं कि तुहाडा घर हुण 15-18 फुट लैंटर उच्चा हो तुम कहो महाराज नैन्सी उत्थे जाड़ा लगे देखो अख नज़र पहुँच नहीं पई हो तुम कहो जी जाड़ा उतारो, आप बोलते वो काम मेरा नहीं है वो मेरे से होना भी नहीं, ठीक है, इसलिए बोलते जो उचित काम होगा जो मेरे को लगेगा कि मैं कर सकती हूँ वो मैं वादा कर रही हूँ आपसे, ठीक है,
लेकिन मोती आपको भी याद रहे मेरे प्रति जो आपके कर्तव्य हैं वो आपको ही पालन करने पड़ेंगे। अब लड़की बोलती कि मेरे माता पिता ने सभी बंधु वर्गों के समक्ष सारे रिश्तेदार बुलाए हैं, अग्नि को साक्षी मानते हुए, जल को साक्षी मानते हुए हाथ में संकल्प लेके शंख लक्ष्मी का रूप माना जाता है, बोलते उसको साक्षी मानते हुए मुझे दान रूप में आपको दे दिया है, कन्या दान महादान बोलते हैं ना कि आपको दे दिया है, इसलिए बोलते कभी आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि महाराज थोड़े माँ प्यो ने की किता है, कुछ नहीं किता है, बोलते आप मेरे को उलाहना टोका नहीं लगाएंगे, और बोलते अगर आप मेरी इस बात को मानते हो तो आपके बाई उड़ाने के लिए मैं कदम उठाती हूँ। ठीक है जी, पूछा करो ना, तो क्या ठीक है, इनसे पूछ भी लिया करो, बाद में मैंने थोड़ी आना तुम मनाने वास्ते, तो तुम्हें पूछना है। ठीक है, अब लड़की बोलती कि हे स्वामी, आज के बाद आपके परिवार मेरा परिवार, मेरा परिवार आपका परिवार, आपके माता पिता पहले थे, आज के बाद वो, इनकी तरफ से बोल रहा हूँ मैं कि मेरे भी माता पिता ही हैं, बोलते जितना प्यार आपको अपने माता पिता से है उसके उससे डबल मेरे को है उनसे। ठीक है ना, जितना विश्वास और प्यार इनको अपनी लड़की से है ना उससे ज़्यादा कहीं आपसे है, तब आपको छंटनी करके लाए इनके लिए पति स्वरूप में, और वही बात इनके ऊपर लागू होती है, शंकर 14 बरतन है परिवार के वास्ते, जनानी अपने वास्ते कर दी की है, नहीं कहते लै जी जनानियाँ भूखे रह सकती, कहने का मतलब जो भी जितने भी व्रत बताए गए हैं सभी व्रत औरत जो रखती है परिवार के लिए रखती है, इसलिए बोलते हैं आपका भी वहाँ कर्तव्य बनता है, आप मेरे कर्तव्यों का पालन करें, जो भी मैं बोलूँ उन वचनों को मानो। अब लड़की बोलती कि महाराज जो भी मैं उचित मांग करूं वो मांग आपको पूरी करनी होगी, जैसे पहले इन्होंने बोला ना कि उचित जो काम मेरे को लगेगा मेरे करने लायक, अब बोलते हैं कि महाराज जो मैं उचित मांग करूं वो आपको पूरी करनी होगी। उचित मांग का मतलब क्या, जैसे आज आपने बुलेट ली है ना 2.5 लाख वाली, अब बुलेट के ऊपर जा रहे हैं, अब 6 महीने बाद ये बोले कि नहीं महाराज धूप बड़ी है, जून जुलाई का महीना बड़ी धूप है, तुम फॉर्च्यूनर गड्डी ले लो, सर बंदा कहता कोई गल नहीं ले लेते ठीक है घर ही आनी है, जाहिर सी बात है थोड़ी छोटे लेवल दी लो, अब गाड़ी ले ली, अब उसके बाद बोले कि नहीं महाराज गड्डी भी वो मजा नहीं है, सड़क खराब है, तुम्हें हेलीकॉप्टर ले लो, ओ जायज नहीं है, वो नजायज काम है, बोलते वो जिद जो है वो स्त्री हट वो फालतू का ही है, इन्होंने क्या बोला कि जो जायज सी बात होगी वो मेरी माननी। ठीक है, और बोलते अगर मैं बार बार कुछ चीज़ मांगूं उसके ऊपर क्रोध नहीं करना, और बोलते कभी गलती से अगर कहीं गुस्सा आया हो ना और जनानियों को, बोलते कई बार मुख से कोई ऐसी निकल जाए जो मेरे को नहीं बोलनी चाहिए और आपके मन को वो बात लगे, तो बोलते कृपया करके उस चीज़ को वहीं बोल जाना, यहाँ से सुनना दूसरे से निकाल देना, ठीक है ज़िंदगी आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, बीच में बिठा होगे तब फिर काम खराब है, इसलिए बोलते अगर मेरी बात को आप मानते हो तो आपकी बाई उड़ाने के लिए मैं कदम उठाती हूँ, कुछ लिया करो भाई। ठीक है, सारे सारों में बात हो रही है। अब लड़की बोलती कि होमे अग्गे विवाहे च कन्यादाने मक्के व्रते, मनवीर जी बोलते कि आपके घर में जो भी काम होगा शुभ काम, जैसे इनके माता पिता बैठे थे ना यहाँ लेफ्ट हैंड में बैठे थे इनकी मम्मी, बोलते आपके अंचल ग्रंथि को पकड़ के आपके बाई ओर मैं भी बैठूंगी, बोलते ठीक है जी, बोलते बात यहाँ ख़त्म नहीं है, बोलते जो आप पुण्य का काम करोगे उसका आधा हिस्सा मैं बिना कुछ किए ले लूँगी, बोलते अच्छा, लेकिन बोलते अगर आपसे गलती हो जाए उसमें तो वो आपकी वो आधा नहीं मिलना, वो आपका ही है सारा ही। उदाहरण के तौर पर इनके पिताजी ने तुहाडे गोडे भी हाथ लाए, पूजा भी की है, मम्मी ने भी किया, कन्यादान के संकल्प से टाइम आया हाथ लाए बनाए चले गए, क्यों 50% बिना कमाए मिल जाना तो काम कानू करना, ठीक है, लेकिन बोलते जो मैं पुण्य का काम करूँगी लड़की बोलती उसका सारा हिस्सा मेरा, लेकिन अगर मेरे से कोई उसमें गलती हो जाए तो आधा हिस्सा आपको लेना पड़ेगा, यानी कि किसी का मर्डर कर दो रखे वो हमारा 50-50 ना, कहने का मतलब क्या, घर में जब चूल्हा चौका और गलती है रोटी बनती है उसके बीच में कोई गलती से गलती हो जाए किस तरह ले आओ सब बस, इसका मतलब यह होगा ना कई लोग हाथों बिठाते अब अभी चलते पैर में आया शॉर्टकट मामला है। अब लड़की बोलती है कि मेरे साथ प्रकार से आपने बचन मान लिए, तो लड़के ने बोला महाराज एक बात मैंने बोली और मैं इनकी बोल रहा हूँ, ਅਭੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਣਾ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਰੀਲ ਬਣਾਣੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ ਵਲੌਗ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਰੀਲ ਬਣਾਣੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮਾਰ ਲਓ ਮਾਰ ਦੇ ਕਾਣੀਆਂ
लगे I don't wanna fall in love.